हेलो वेलकम गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक काफ़ी कमाल का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कुछ सरप्राइज़ भी है इस वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि गाइज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ मोवी वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये काफ़ी कमाल का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है बिगिनर्स के लिए। यहाँ पर मार्केट में और भी बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, बट वो सॉफ्टवेयर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली भी पड़ते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और डेली व्लॉग टाइप के वीडियोस बनाते हैं या फिर जनरली आप वीडियोस बनाते हैं टेक रिलेटेड, तो यहाँ पे आप इस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप इस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ईजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है और इसके फीचर्स भी काफ़ी कमाल के हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके कुछ मेन फीचर्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले ये काफ़ी ईजी टू यूज़ है, यानी कि आपको इसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल सा इसका डैशबोर्ड है। इसके साथ साथ में आपको एडवांस लेवल के फीचर्स भी मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं इसके फीचर्स की, तो इसके थ्रू आप वीडियोस को डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स को ये सपोर्ट करता है। और साथ में इसमें आपको फिल्टर्स, ट्रांजिशन इफेक्ट्स और टाइटल्स का कमाल का कलेक्शन देखने को मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। तो आपको यहां पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी कि भैया टाइटल के लिए अलग से कुछ बनाना है या फिल्टर्स के लिए अलग से कुछ बनाना है। आपको यहां पे डिफॉल्ट सब कुछ बना बनाया है, सिंपली उसे आपको अपने वीडियोस में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और साथ में इसमें कुछ एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि क्रोमा की। तो अगर आप अपने बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आप ग्रीन स्क्रीन का यूज करके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं और पीछे कुछ वीडियो लगाना चाहते हैं, कोई दूसरी इमेज लगाना चाहते हैं, तो वो वाले टास्क भी इसमें आप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको क्रोमा की का फीचर दिया गया है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि यह काफी कमाल का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है बिगिनर्स के लिए, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहे और एंड में आपके लिए कुछ सरप्राइज है मेरी तरफ से आपके लिए। तो अब हम चलते हैं पीसी की तरफ और देखते हैं भैया कि किस तरह से आपको इसे यूज करना है। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं मोवी वीडियो एडिटर के मेन डैशबोर्ड में। तो कुछ इस तरह से आपको इसका लेआउट मिल जाता है। तो यहां पे देख सकते हैं फुल फीचर मोड और इजी मोड दिया गया है, तो आप फुल फीचर मोड ही चूज करिए, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको ऐसा कोई पॉपअप आता है, सिंपली यहां से आप इसे हटा सकते हैं। तो अब देख सकते हैं यहां पे आपको कुछ इस तरह से ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ड्रैग योर फाइल्स हियर, तो यहां पे हम अपनी वीडियो फाइल अभी इंपोर्ट करेंगे और यहां पे आपको वो रेंडर होगा, आपकी वीडियोस यहां पे रेंडर होंगी। तो देख सकते हैं कि फाइल को ऐड करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए आप यहां पे फाइल वाले ऑप्शन पे भी जाके इंपोर्ट कर सकते हैं या सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे एक वीडियो क्लिप बनाई हुई है, तो मैं सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं। तो मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है और देख सकते हैं वीडियो फाइल और ऑडियो वेवलेंथ भी यहाँ पे आपको दिख रही है। तो ये बहुत ही सही फीचर है इसका कि आपको ऑडियो वेवलेंथ दिखती है, तो जैसे जहां पे आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो उस पार्ट को अगर आप कट करना चाहते हैं तो वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से आप अपनी वीडियो फुटेज को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, ताकि आपको जंप कट अप्लाई करने में या कोई फिल्टर अप्लाई करने में बहुत ही आसानी होगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ का इतना पार्ट मेरा उतना काम का नहीं है, तो मैं यहाँ पे कट लगाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सीजर का सिंबल आ गया है, सिंपली इस पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल बी पे भी प्रेस करके कट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्लिक्ड है और मैंने इस पे क्लिक किया, अब ये मेरी जो क्लिप है ये कट हो गई, यहाँ से स्प्लिट हो गई। अब सिंपली इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है या फिर आप कीबोर्ड का डिलीट बटन यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि वो पार्ट वहां पे जो मुझे नहीं चाहिए था, अनवांटेड पार्ट था, वो मैंने वहां से कट कर दिया। इसी तरह से आपको बीच में कहीं पे लगता है कि आपने कुछ गलती करी है तो आप उस पार्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा इसे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये खाली पार्ट है, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक करी थी तो मुझे इसे कट करना है, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ और कट कर देता हूँ। ये पार्ट अलग हुआ, आप सिंपली इस पार्ट पे क्लिक करता हूँ और फिर से कट कर देता हूँ। अब मैं इस वाली क्लिप को सिलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद सिंपली डिलीट कर देता हूँ, तो वो वाली क्लिप, बीच वाला जो पार्ट था वो डिलीट हो चुका है। अब मेरा एकदम प्रॉपर यहाँ पे क्लिप बन चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कट लगा हुआ है इस पे कोई ट्रांजिशन अप्लाई कर दूं, तो ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ट्रांजिशन का। तो बाई डिफॉल्ट आपको बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑल वाले पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको पूरे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो मैं कोई सा भी यहाँ से ऑप्शन चूज कर लेता और इसको इस पे ड्रैग कर देता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं क्लिप के बीच में हमारा ट्रांजिशन अप्लाई हो चुका है। तो अब मैं इसे अगर प्ले करूंगा और आप इस वीडियो तो कुछ इस तरह से ब्लर आउट हो जाएगा और ये ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ब्लर इन एंड आउट का ट्रांजिशन अप्लाई किया था। अगर आपको कोई दूसरा अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे दूसरा कोई ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सही लगे। तो देख सकते हैं
लेके आया हूँ और आप इस वीडियो इस तरह से आप ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज मुझे इतने पार्ट में कोई फिल्टर अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं, बट मैं यहाँ पे कैमरा शेक एक फिल्टर है उससे अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ और अब मैं इसे प्ले करता हूँ यहाँ से और देख सकते हैं पहले ट्रांजिशन चला, उसके बाद यहाँ पे कैमरा शेक वाला फिल्टर भी अप्लाई हो चुका है। तो ये यहाँ पे आपको फिल्टर्स ट्रांजिशंस बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं कि आपको फिल्टर्स ट्रांजिशंस अलग से बनाने पड़े। आप सपोज आप चाहते हैं लोअर थर्ड या फिर अपना टाइटल लगाना तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए और आपको बाय डिफॉल्ट बहुत सारे ऑप्शन बने बनाए ट्रांजिशन मिल जाएंगे टेक्स्ट वाले। तो अब थोड़ा सा हम टाइमलाइन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। तो जैसे ये वाला टाइटल मुझे इस पे इंपोर्ट करना है तो मैंने इसे ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। अब ड्रॉप करने के बाद देख सकते हैं टाइटल आ चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करके मैं इस पे लिखता हूँ एंड्रो वाइड और यहाँ पे नेम लिखा हुआ है भाई, डबल क्लिक किया, नमन लिख दिया। तो अब मैं इसे प्ले करता हूँ एक बार फिर से आपके लिए। हेलो वेलकम गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रो वाइड। आज के अपने इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक काफी कमाल का वीडियो। तो देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रांजिशन, ये टाइटल ट्रांजिशन आया लोअर थर्ड। इस तरह से आप यहाँ पे बहुत सारे यूज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब बात आती है भाई स्टिकर्स की। जी हाँ, इसमें आपको डिफॉल्ट कुछ स्टिकर्स भी मिल जाते हैं, उन्हें आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो फुटेज में। जैसे कि आइसक्रीम वाला है तो मैं इसे अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप इसका साइज भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और उसके बाद इसे जहां पे भी आपको अच्छा लगे उस जगह पे रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें इमेजेस कैसे इंपोर्ट करनी है। तो इमेजेस इंपोर्ट करने के लिए फाइल वाले ऑप्शन पे जाके आप फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, एड मीडिया भी कर सकते हैं या फिर आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप से एक इमेज फाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ, अभी ड्रैग कर लिया मैंने और इसे सिंपली लाके यहीं पे ड्रॉप कर दिया। तो देख सकते हैं इमेज हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। अब आपको लगता है कि इमेज हमें कहीं और लगानी है तो सिंपली यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है और उसके बाद आप इस इमेज का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और उसके बाद उसे कहीं भी मूव करके रख सकते हैं। कमाल का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ये हमारा, हमें इसे हटाना पड़ेगा तो इस पे हमने डबल क्लिक किया और इसे हटा के इस तरफ हमने रख दिया क्योंकि नहीं तो ओवरले हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टाइमलाइन आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गई, कमाल का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आराम से यूज कर सकते हैं। करियर बनाना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर तो आप, तो ये तो हो गई कुछ बेसिक चीजें। लेकिन अगर हम चलते हैं एडवांस्ड की तरफ तो अगर आप इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो यहाँ से आप सिंपली वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपको वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ाना है अपनी वीडियो क्लिप का तो कर सकते हैं। स्पीड आप देख सकते हैं कि आपको कम रखनी है ज्यादा, यानी कि आप स्लो मोशन भी कर सकते हैं और टाइम लैप्स वीडियोस भी यहाँ से बना सकते हैं। अगर आप अपने वीडियोस को रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंपली वो भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है ताकि आप अपनी वीडियोस को थोड़ा सिनेमैटिक लुक प्रोवाइड कर सकें। अब आपको क्रॉप एंड रोटेट का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है तो आप अपनी वीडियोस को क्रॉप एंड रोटेट भी कर सकते हैं। पैन एंड जूम फीचर भी इसमें आपको डिफॉल्ट दिया गया है। स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है तो आप अपनी शेकी वीडियोस को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर सकते हैं इसके कुछ एल्गोरिथम्स की हेल्प से। साथ में आपको हाईलाइट एंड कॉन्सील का ऑप्शन भी दिया गया है। क्रोमा की ऑप्शन दिया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एडवांस लेवल का ऑप्शन होता है ये। तो अगर आप ग्रीन स्क्रीन यूज करते हैं और चाहते हैं बैकग्राउंड रिमूव करके आप उस पर कुछ वीडियो फुटेज पीछे चला दें बैकग्राउंड में या फिर कोई स्टिल इमेज डाल दें तो उसके लिए आप क्रोमा की का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे काफी कमाल का फीचर है ये और ये इसमें आपको डिफॉल्ट दिया गया है। और साथ ही आपको यहाँ पे स्लो मोशन का ऑप्शन भी दिया गया है तो आप अपनी वीडियोस को स्लो मोशन में भी रख सकते हैं। अब अगर हम चलते हैं ऑडियो की तरफ तो यहाँ पे ऑडियो की सेटिंग्स आपको मिल जाती है कि वॉल्यूम कितना रखना है, स्पीड क्या रखनी है, आपको फेड इन फेड आउट तो नहीं करना उसे, इक्वलाइजर दिया गया है आपको तो इक्वलाइज कर सकते हैं थोड़ा ऑडियो को, नॉइज रिमूवल दिया गया है डिफॉल्ट इसमें तो अगर आपके वीडियो फुटेज में कुछ नॉइज है तो उसे भी आप थोड़ा सा सप्रेस कर सकते हैं। ऑडियो इफेक्ट भी दिए गए हैं आपको यहाँ पे कुछ, और साथ में आपको बीट डिटेक्शन का एक ऑप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप अपनी वीडियोस को इसके थ्रू एडिट कर सकते हैं, ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि इसमें आपको ऑडियो कैसे ऐड करना है तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट देख सकते हैं माई फाइल्स वाले ऑप्शन में साउंड म्यूजिक सैंपल वीडियो बैकग्राउंड ये सारी चीजें डिफॉल्ट कुछ रॉयल्टी फ्री इमेजेस वीडियोज और म्यूजिक मिल जाते हैं
यहाँ पे। तो आप जैसे साउंड पे जाते हैं तो आप कोई सा भी साउंड यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपली उसे आप ऐसे ड्रैग कर लेंगे टाइमलाइन में, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो फाइल आपकी आ चुकी है। अब अगर आप चाहते हैं इसका वॉल्यूम थोड़ा कम करना, क्योंकि आपकी ओरिजिनल जो वॉइस है हो सकता है वो दब जाए इसमें, तो अगर आप इसके वॉल्यूम को कम करना चाहते हैं सिंपली इस पर डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप इसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपका वॉल्यूम ज्यादा सही आए और इसका वॉल्यूम धीमा आए। तो इसी तरह से आप यहाँ पे म्यूजिक सैंपल वीडियोज कुछ वीडियोज भी चूज कर सकते हैं और आपको काफी अच्छे टाइप के बैकग्राउंड भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं गाइस एक और फीचर की जो इसमें दिया गया है। अगर आप एडिट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसर्ट फ्रीज फ्रेम का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे अगर आप, तो एक फ्रीज फ्रेम आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है ऊपर। तो देख सकते हैं फ्रेम हमारा पूरा फ्रीज कर दिया गया है और उसके बाद जैसे तो वो खत्म होगा तो फिर हमारा वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको कमाल के इसमें इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक और फिल्टर आपको दिखाता हूँ इसमें लगा के मैं, तो इस फिल्टर को मैंने इसमें डाल दिया तो अभी देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि यहाँ पे मैं तो इस तरह के फिल्टर्स भी आप थोड़ा फनी टाइप के फिल्टर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखते रहिए। और गाइस अब आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से आप इस वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहे हैं तो आपको 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो ही रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम के लिए या फेसबुक के लिए वीडियोस बना रहे हैं, IGTV के लिए वीडियोस बना रहे हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करके 9:16 रख दीजिए। तो इस तरह से आपकी वीडियो वर्टिकली आ जाएगी। तो बाकी अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो सिंपली आपको 16:9 का ही रखना है। और साथ में ही आपको इसमें एक ऑप्शन मिल जाता है ऑडियो रिकॉर्डिंग का। तो अगर आपने कोई बी रोल शॉट शूट करे हैं तो आप यहां पे वॉइस ओवर भी दे सकते हैं इस वाले ऑप्शन की मदद से। तो सिंपली इस पे जाके आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप बिटरेट चूज कर सकते हैं तो आप उस पे वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। तो गाइस अब हमारी क्लिप यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, हमने पूरी एडिटिंग कर दी है इसमें, हमने वीडियो इंपोर्ट कर लिया, हमने ऑडियो ऐड कर लिया, हमने उसमें इमेज ऐड कर ली, हमने उसमें टाइटल लगा दिया, कुछ इफेक्ट्स और कुछ ट्रांजिशंस भी हमने ऐड कर दिए इसके अंदर। तो अब हमें क्या करना है कि इसे एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं बटन मिल जाता है आपको एक्सपोर्ट का, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको ये वीडियो एक्सपोर्ट करनी है, उसका नाम क्या होगा और वो कहां पे जाएगा। तो देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट MP4 सिलेक्टेड है। अगर आप YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप MP4 ही सिलेक्ट रखिए, बाकी आप अगर चूज करना चाहें तो आप चूज कर सकते हैं कोई भी फॉर्मेट। और आप यहां पे कुछ और ऑप्शन भी मिल जाते हैं देखने को, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला ऑप्शन है शेयर वाला। सिंपली इस पे अगर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने चैनल को लिंक कर देंगे, सिर्फ एक बार लिंक करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये वीडियो को सीधे यहीं से आप YouTube के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जो टाइटल आप यहां पे लिखेंगे, जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जो रेजोल्यूशन, जो कैटेगरी और जो प्राइवेसी होगी, जो टैग्स होंगे, वो सारी चीजें आप यहाँ पे यहीं से सेट कर सकते हैं और उसके बाद सिंपली अपलोड कर देंगे तो ये वीडियो सीधे आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो ये फीचर काफी कमाल का लगा मुझे, तो आप चाहें तो इसे भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली अपने अकॉर्डिंग यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को। तो देख सकते हैं क्वालिटी यहां से आप चूज कर सकते हैं, गुड रखनी है, हाई रखनी है, हाईएस्ट रखनी है। तो जैसे हाईएस्ट रखेंगे तो थोड़ा सा मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करेगा, थोड़ा टाइम लेगा, हाई रखेंगे तो थोड़ा कम मेमोरी में आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। एडवांस्ड के अंदर भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो इन चीजों के साथ भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अब उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है और आपकी वीडियो का रेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्द आपका वीडियो रेंडर हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी वीडियोस को कहीं भी शेयर कर सकते हैं या यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वीडियो सेव हो चुका है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये काफी बेसिक लेवल का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, बिगिनर्स के लिए, व्लॉगर्स के लिए काफी कमाल का है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखनी नहीं पड़ेंगी, बहुत ज्यादा चीजें आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ेंगी, बाय डिफॉल्ट में आपको ट्रांजिशन ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाती हैं। तो ये काफी सही वीडियो एडिटर है अगर आप एक बिगिनर हैं तो। अगर आप एक एडवांस लेवल के हैं तो आपके लिए और सॉफ्टवेयर हैं, बट बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है मेरी नजर में। तो अगर आपको ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अच्छा लगा है, आप इसे यूज करना चाहते हैं अपने वीडियो प्रोडक्शन के लिए, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है इसे डाउनलोड करने का लिंक। और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, फुल वर्जन का परचेस करना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप एक प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं एंड्रो वाइड। तो ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जी हाँ, तो ये आपको काफी चीप पड़ जाएगा। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह की टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेके आता रहता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।